डियर सब्सक्राइबर, वेलकम टू द कंप्लीट एग्जाम। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जून मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डे मनाए गए उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जून मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डे मनाए गए उनकी थीम, डेट मैं सभी इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाली इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। और मैंने इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वहां पे जाके आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। और मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दी है, तो वहाँ पे जाके आप विजिट भी कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, जितने भी इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं उन इंपॉर्टेंट डे और उनकी थीम हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जून मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डे मनाए गए मैं यहाँ पे बारी बारी आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे, तो ये मनाया जाता है 1 जून को, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसकी एक थीम भी रखी गई है, मैं आपको थीम बताता हूँ, अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। इसकी थीम क्या रखी गई है, ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरीडे। क्या रखी गई इसकी थीम, ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरीडे। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से। तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, वर्ल्ड साइकिल डे, तो ये हर साल मनाया जाता है 3 जून को, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ये विश्व साइकिल दिवस है, वर्ल्ड साइकिल डे, ये 3 जून को मनाया जाता है। और यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसको मनाता कौन है, ये किसके द्वारा मनाया जाता है, ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से। तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व यातायात एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, विश्व यातायात एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो ये मनाया जाता है 4 जून को, यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये तो दिन तो मनाया जाता है, कौन सा, विश्व यातायात एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, लेकिन इसको मनाता कौन है, तो इसको भी मनाता है यूनाइटेड नेशन। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से। तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत से एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, आप इसके बारे में नोट कर लीजिए। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, तो ये मनाया जाता है हर साल 5 जून को, यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसकी एक थीम भी रखी गई है, मैं आपको थीम बताता हूँ, अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। इसकी थीम क्या है, बीट एयर पोल्यूशन। क्या है इसकी थीम, बीट एयर पोल्यूशन। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से। तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, तो ये मनाया जाता है 7 जून को, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जो विश्व खाद्य दिवस है ये हर साल 7 जून को मनाया जाता है। अब इसकी एक थीम भी रखी गई है, मैं आपको थीम बताता हूँ, अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। इसकी थीम क्या है, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। क्या है इसकी थीम, फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से। तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, वर्ल्ड ओशन डे, तो ये हर साल मनाया जाता है 8 जून को, यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो विश्व महासागर दिवस है ये हर साल 8 जून को मनाया जाता है। अब इसकी एक थीम भी रखी गई है, मैं आपको थीम बताता हूँ, अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। इसकी थीम क्या है, जेंडर एंड द ओशन। क्या है इसकी थीम, जेंडर एंड द ओशन। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से। तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस, तो ये भी मनाया जाता है 8 जून को, यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो विश्व मस्तिष्क
ट्यूमर दिवस है, ये हर साल 8 जून को मनाया जाता है। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस? तो ये हर साल मनाया जाता है 12 जून को, यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसकी एक थीम भी रखी गई है, मैं आपको थीम बताता हूँ, आप नोट कर लीजिए। इसकी थीम क्या है? बच्चों के खेल पर नहीं सपनों पर काम करना चाहिए। क्या है इसकी थीम? बच्चों के खेलों पर नहीं बल्कि बच्चों के जो सपने हैं उन सपनों पर काम करना चाहिए। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो ये हर साल मनाया जाता है 14 जून को, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसकी एक थीम भी रखी गई है, मैं आपको थीम बताता हूँ, आप इसकी थीम नोट कर लीजिए। इसकी थीम क्या है? ब्लड डोनेशन एंड यूनिवर्सल एसेस टू सेव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या है इसकी थीम? ब्लड डोनेशन एंड यूनिवर्सल एसेस टू सेव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसको किसके द्वारा मनाया जाता है, इसको कौन मनाता है? तो इसको मनाता है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये मनाया जाता है। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये हर साल मनाया जाता है 15 जून को, यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस है तो 15 जून को मनाया जाता है, लेकिन ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ? ये मनाना स्टार्ट हुआ 2001 से, और इसको कौन मनाता है? इसको मनाता है यूनाइटेड नेशन। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फादर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है वर्ल्ड फादर्स डे? तो ये हर साल मनाया जाता है 16 जून को, यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बेसिकली हर साल 16 जून को नहीं मनाया जाता है, बेसिकली होता क्या है, जो जून मंथ का थर्ड संडे, जो थर्ड वीक का जो संडे आता है, उसी दिन ये मनाया जाता है वर्ल्ड फादर्स डे। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस? तो ये मनाया जाता है 17 जून को, यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये किसके द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा। अब इसकी और एक थीम रखी गई है, मैं आपको थीम बताता हूँ, आप थीम नोट कर लीजिए। इसकी थीम क्या है? लेट्स ग्रोथ फ्यूचर टुगेदर। क्या है इसकी थीम? लेट्स ग्रोथ फ्यूचर टुगेदर। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है गोवा क्रांति दिवस, यानी गोवा रेवोल्यूशनरी डे? तो ये हर साल मनाया जाता है 18 जून को, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये क्यों मनाया जाता है? बेसिकली जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, उन्होंने गोवा के मुक्ति के लिए 18 जून को ही क्रांति की थी, उसी के उपलक्ष में हर साल ये गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष के दौरान यौन हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये हर साल मनाया जाता है 19 जून को, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसके द्वारा मनाया जाता है, इसको कौन मनाता है? इसको मनाता है यूनाइटेड नेशन। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे? तो ये हर साल मनाया जाता है 20 जून को, यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसकी एक थीम भी रखी गई है, मैं आपको थीम बताता हूँ, आप इसकी थीम नोट कर लीजिए। इसकी थीम क्या है? स्टॉप विथ रिफ्यूजी, टेक अ स्टॉप ऑन द वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। क्या है इसकी थीम? स्टॉप विथ रिफ्यूजी, टेक अ स्टॉप ऑन वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? तो ये हर साल मनाया जाता है 21 जून को, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसकी एक थीम भी रखी गई है, मैं आपको थीम बताता हूँ, आप इसकी थीम नोट कर लीजिए। इसकी थीम क्या है? योगा विद गुरुस। क्या है इसकी थीम? योगा विद गुरुस। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड म्यूजिक डे। तो ये मनाया जाता है 21 जून को, यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो विश्व संगीत दिवस है ये हर साल 21 जून को मनाया जाता है। अब यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम रखी गई म्यूजिक एट इंटरसेक्शन। क्या है इसकी थीम? म्यूजिक एट इंटरसेक्शन। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ओलंपिक डे। तो ये हर साल मनाया जाता है 23 जून को, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्लियर है आपको? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस? तो ये भी हर साल मनाया जाता है 23 जून को, यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आप याद रखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस है ये हर साल 23 जून को मनाया जाता है। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस? तो ये भी हर साल मनाया जाता है 23 जून को, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्लियर है आपको? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 जून को, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भी मादक पदार्थ है उसका सेवन करते हैं और जो तस्करी करते हैं, तो उनको रोकने हेतु हर साल ये 26 जून को मनाया जाता है। अब यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई है हेल्थ फॉर जस्टिस, जस्टिस फॉर हेल्थ। क्या रखी गई इसकी थीम? मैं फिर एक बार नोट कर रहा हूँ, अगर सॉरी मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। इसकी थीम क्या है? हेल्थ फॉर जस्टिस एंड जस्टिस फॉर हेल्थ। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डे। तो ये हर साल मनाया जाता है 27 जून को, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस? तो ये हर साल मनाया जाता है 29 जून को, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसकी एक थीम भी रखी गई है, मैं आपको थीम बताता हूँ, आप इसकी थीम नोट कर लीजिए। इसकी थीम क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्या है इसकी थीम? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस? तो ये हर साल मनाया जाता है 29 जून को, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये किसके द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन द्वारा। अब यहाँ पे टर्म है यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन के बारे में जान लीजिए। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। उसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? वो एंटोनियो गुटेरस। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो बस यही थी हमारी जून मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डे मनाए गए उन पे एक छोटी सी वीडियो। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मैं आपको फिर एक बार बोलूंगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए,
और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल है, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पे आप हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो की PDF फाइल जरूर डाउनलोड कर लेना। नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंप्लीट एग्जाम ऑलवेज विथ यू।